सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज को हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर अपने फोन पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर दिए, अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे एप्लीकेशन से जोड़ लिए, तो अपने बैंक अकाउंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को आप कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने फोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, लेकिन अपने बैंक अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाते हैं, रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, डिलीट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर अपने बैंक अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फोन पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में अब आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपका जो फोन पे एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में अब आपका जो प्रोफाइल है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपका जो बैंक अकाउंट आपके फोन पे एप्लीकेशन में लिंक होगा, ऐड होगा, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे कैनरा बैंक, तो आपका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा। तो अपने इस बैंक पे क्लिक करना। बैंक पे क्लिक करने के बाद में अब आपके बैंक अकाउंट की जो पूरा डिटेल्स है यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आपका यहाँ पे कैनरा बैंक शो हो जाएगा और गाइस आपके बैंक का जो यहाँ पे लास्ट का 4 अंक है, 4 अंक शो हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट है, ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे यूपीआई पिन और यहाँ पे रिस्टार्ट और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन होगा और यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस का भी ऑप्शन हो रहा है और नीचे गाइस आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी का ऑप्शन हो रहा है। तो आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट को डिलीट करना, तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको नीचे आना है, एकदम नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे यूपीआई नंबर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी अपने यूपीआई नंबर्स को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो किस आपका अगर यूपीआई नंबर ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और किस यहाँ पे निक नेम का भी ऑप्शन हो रहा है। अब किस नीचे किस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है पे अनलिंक बैंक अकाउंट का, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अनलिंक बैंक अकाउंट पे। तो जैसे आप इसे अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो किस यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर अपने बैंक अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अनलिंक पे क्लिक करना। तो अब गाइस जैसे अपने बैंक को आप डिलीट करना चाहते हैं आपको अनलिंक पे क्लिक करना। अनलिंक पे क्लिक करने के बाद में अब आपको विदिन 2 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे डिलीट हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट आपके फोन पे एप्लीकेशन से रिमूव हो चुका है। अब आपको व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपका जो बैंक अकाउंट है डिलीट हो चुका है, फिर से गाइस आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट फिर से यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको फोन पे एप्लीकेशन में और भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।